नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अक्टूबर महीना टॉरस लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा देखिए। मैंने इस महीने का हेडिंग लिखा है बेस्ट टाइम फॉर लव एंड चिल्ड्रन। मतलब देखिए, ये समय है अगर किसी से प्यार करते हो तो इजहार करने का टाइम, बेस्ट टाइम चल रहा है। और हेडिंग लिखा है मैंने कंट्रोल योर एंगर। मंगल आपके लग्न में आया है तो उसके लिए लिखा है मैंने कंट्रोल योर एंगर, आपके गुस्से को थोड़ा, एनर्जी बहुत है आपके पास इस वक्त में। जब से मंगल जब से लग्न में आया 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक, ये आपको एनर्जेटिक बहुत रखेगा और बहुत बड़ा नेम फेम मिलने की घटना भी हो सकती है। बट ये महीने के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अगर जो समझो आप बहुत टाइम से अगर चाइल्ड को प्लान कर रहे हैं, अगर बच्चा नहीं हो रहा आपको, तो बेस्ट टाइम है। विवाह के लिए तो है ही है बेस्ट टाइम, बट ये चाइल्ड के लिए अगर इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड ट्राइंग फॉर द चाइल्ड, और अगर समझो बच्चे के लिए बेस्ट टाइम है। अगर बच्चे बड़े हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं कुछ, उनके विवाह के लिए अगर आप प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं आप विवाह के लिए, तो ये बेस्ट टाइम है उनके लिए भी, वो काम के लिए भी बेस्ट है। बेस्ट टाइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चिल्ड्रन, और प्यार करते हैं उनको इजहार करने के लिए भी बेस्ट है। अब देखिए डेट वाइज सीधा सीधा प्रिडिक्शन करता हूँ, उसमें ये केयरफुल डेट लिखा है, इसको रिमार्क कर दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा कैलेंडर के ऊपर। डेफिनेटली ये डेट्स बहुत जबरदस्त काम करता है, इसको मार्क करिएगा। और अगर जो इसमें कहीं चूक होती है डेफिनेटली बताइएगा, नेगेटिव चीज 100% आपको केयरफुल रहना ही है। अगर नई जॉब है, नया कुछ काम शुरू कर रहे हैं आप, नए कोई बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो जरूर देखिएगा ये मेरी चैनल को, श्योर आपको फायदा होगा। देखिए 30 सितंबर से 2 अक्टूबर की बात शुरुआत करता हूं सीधा सीधा, कि ये 30 सितंबर से 2 अक्टूबर जो टाइम है दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। बहुत बड़े आदमी से मुलाकात भी होगी आपकी 30 सितंबर से 2 अक्टूबर में, और हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई मेजर चेंजेस भी करेंगे। इस साल के खत्म होते होते, अप्रैल 2023 के खत्म होते होते आपका बहुत बड़े आदमी के साथ मुलाकात भी हो सकता है, बहुत बड़ा नेम फेम मिलने की घटना भी है आपकी, और 30 सितंबर से 2 अक्टूबर में कोई ऐसे ही बहुत बड़े आदमी से आपका मुलाकात भी होगा। 3 और 4 अक्टूबर ये जो टाइम है, कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई फीमेल बेवकूफ बनाए, क्योंकि देखिए 12वें स्थान में राहु है और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है इस टाइम में। 3 और 4 अक्टूबर विल बी अ टाइम ऑफ एन एक्सपेंसिव टाइम। देखिए 12वां राहु है, जेल यात्रा से केयरफुल रहिएगा, मतलब कहीं भी ऐसा गैरकानूनी कोई चीज हो रहा है वहां जाके खड़े रहना, वहां जाके कोई पुलिस केस के मैटर में इंटरफेयर करना, बोलेगा चलो मैं भी चलता हूँ पुलिस स्टेशन, ऐसा कभी नहीं करिएगा। और पर्टिकुलरली मैंने आपको 3 और 4 अक्टूबर बोला है, यू हैव टू बी केयरफुल, इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम, हॉस्पिटल का मुलाकात ना करा दे तो अच्छा है। अब 5 और 6 और 7 अक्टूबर आपकी गलतियों को आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे 5, 6, 7 में, और इट इज ए रोमांटिक डे, समझो ना 5, 6, 7 आप अपने आप में। देखिए ज्यादातर तो ये शुक्र का लग्न है, व्हीकल अप टू डेट रहना, सुंदर कपड़े पहनना, सुंदर दिखना, वो सब आप पसंद करते हैं। 5, 6, 7 को आपका जो गलती किया आपने 3 और 4 तारीख को, उसको 5, 6, 7 में आप रेक्टिफाई करेंगे। अभी जो आ गया टाइम 8 तारीख, 8, 9 और 10 फाइनेंशियली, ये तारीख देखिए 8, 9 और 10 ये पैसा देने वाला तारीख है आपको। कोई भी पैसा कहीं आप मांग रहे हो, एस्ट्रोलॉजी को अजमाना है तो अजमा लीजिएगा, 8, 9, 10 आपके हाथ में पैसा आना ही चाहिए अगर आपका वृषभ लग्न है तो। आपको परिवार के साथ एंजॉय करने का टाइम है, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ, एंजॉय फूड फैमिली एंड फाइनेंस, पूरा परिवार एकत्रित हुआ होगा, खाना खाने को भी शांति से आपको मिलेगा। और किसी से पैसा मांगते हो तो 8, 9, 10 को अजमा लीजिएगा एस्ट्रोलॉजी को, आपके हाथ में पैसा आ जाएगा 8, 9, 10 को। ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को देखता हूं, 2 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, कभी कभी 2 भाषा बोल लेते हैं आप लोग, फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं कभी कभी फॉरेन में हो तो। 8, 9, 10 इस महीने का फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन साबित होगा ही। 11 और 12 तारीख द टाइम टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन योर ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये देखिए गुरु की एस्पेक्ट भी है आपके तृतीय स्थान पर, तो भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। हो सकता है कि आपके पड़ोस में, अगर देखिए पड़ोस में किसी के साथ, ये देखिए अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने की संभावना है वृषभ लग्न, और अगर आपकी उम्र 30-35 के करीब है तो 100%
ऑलरेडी मैरिड औरत के साथ का संबंध बनने का भी संभावना बता रहा है या मैरिड मेल के साथ का, उसमें भी पर्टिकुलरली ये दिन जो मैं 11 और 12 तारीख बोल रहा हूँ, ये दिन आपके पड़ोसियों के साथ का कोई कनेक्शन आएगा जरूर। पड़ोसियों के साथ का आ सकता है, भाई के साथ का आ सकता है 11 और 12, 13, 14, 15 यू विल बी हैप्पी एट होम। मतलब कहीं आपके मन के अंदर 13, 14, 15 एक मन के अंदर एक अजब एक शांति का अनुभव करेंगे आप। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यस नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि देखिए आपके लाभ स्थान में, प्रॉपर्टी स्थान में वक्री गुरु हो गया है, शनि भी वक्री है आपके धर्म स्थान में, कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग अभी आपको ये करा भी सकता है आपको। मैं 13, 14, 15 हैप्पी एट होम बोल रहा हूँ। 16, 17 और 18 तारीख, 16, 17 और 18 जो मैंने जो ये बोला है, बेस्ट टाइम फॉर लव एंड चिल्ड्रन एंड कंट्रोल योर एंगर, तो ये जो 16, 17, 18 है कोई नई आइडिया क्लिक होगी, हो सकता है बहुत रोमांटिक भी हुए होंगे 16, 17, 18 अक्टूबर तक। देखिए अभी आपका 18 से तो शुक्र बदल भी रहा है, जैसे ही शुक्र बदलेगा देखिए इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। मतलब ये जो कंट्रोल योर एंगर है, मंगल तो आगे चला जाएगा, बाद में फैमिली के साथ विवाद नहीं हो जाए इस बात के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा। पूरा जब तक शुक्र आपके 10 नवंबर तक आपके 6वें स्थान में, परिवार के जो घर के लोग हैं आपके, पर्टिकुलरली भाई बहन, उनके साथ का रिलेशंस में कहीं भी विवाद में नहीं उतर जाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे वक्त में विवाद में उतर जाता है। हेल्थ के लिए 19 और 20, आपको ये मैंने बोला 19 और 20 केयरफुल रहने का टाइम है, दिस इज द टाइम टू बी केयरफुल। 19 और 20 को झगड़े से बचे, आपका जबान को भी कंट्रोल रखें 19 और 20 को। 16, 17, 18 मैंने प्यार का टाइम बोला है, स्टूडेंट के लिए अच्छा है, इंटेलेक्चुअली बेस्ट है। अगर आप कोई क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े होंगे तो 16, 17, 18 बेस्ट है। 19, 20 आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, केयरफुल रहिएगा। कहीं भी किसी के साथ पंगा लेने के पहले आप आपकी कैपेसिटी माप के पंगा लीजिएगा, ऐसा धड़ाम से बड़े आदमी को कुछ भी बोल दोगे तो फिर वो आप समेट नहीं पाओगे। 19 और 20 तारीख जैसे आप, ज्यादातर तो मैं देखता हूँ आप लोग बहुत शुगरी बहुत होते हैं, बहुत स्वीट बात करते हैं, 19 और 20 तारीख आपके लिए उस हिसाब से अच्छा समय नहीं है। मतलब डिसीजन, अगर आपको आपके मैटरनल अंकल से पैसा मांगना हो तो ये बेस्ट टाइम है 18 अक्टूबर से 10 नवंबर, और उसमें भी 18 और 19 तारीख आपके लिए आपके मैटरनल अंकल से मदद मांगने का भी एक अच्छा टाइम है 19 और 20 तारीख। अभी 21, 22 और 23 मैरिज लाइफ के लिए देखिए मैंने बेस्ट लिखा है 21, 22, 23। अगर आप अविवाहित है, ऑलरेडी मैरिड है, तो भी 5, 6, 7 और 21, 22, 23 बहुत अच्छा समय रहेगा पत्नी के साथ का या पति के साथ का, रोमांटिक पीरियड है। जनरली आपका स्पाउस दिखने में इतना शानदार नहीं होता जितने शानदार आप होते हैं, ऐसा दुबला पतला स्पाउस होता है, यानी कि अगर आपका वृषभ लग्न है और आप फीमेल है तो पति ऐसा दुबला पतला होता है, ज्यादा रोमांटिक नहीं होता, और अगर आप मेल है तो पत्नी ऐसी दुबली पतली होती है, ज्यादा अपनी सिस्टम में काम करने वाली पर्सन है, दूसरों का इंटरफेरेंस आपका स्पाउस, आपका पति या पत्नी बर्दाश्त नहीं करते। दिस इज द बेस्ट टाइम अगर आप अनमैरिड है तो इस महीने में 5, 6, 7, 21, 22, 23 आप चाहे मैरिज ब्यूरो में कहीं अगर कोई नाम लिखवाना हो तो इस साल अप्रैल 2023 तक आपका विवाह होना चाहिए, और ये तारीख में अगर आप मीटिंग रखते हैं मिलने के लिए लड़की के साथ या लड़के के साथ का, तो कामयाबी के संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो ये करिएगा आप 21, 22, 23 मैंने बोला, 24, 25, 26 देखो केयरफुल रहने का टाइम है, 24, 25, 26 बी केयरफुल। 24, 25, 26 आप थोड़े अपमानजनक सिचुएशन में होंगे, पप्पा मम्मी से कुछ पैसा मांगना हो, वसीयत का या प्रॉपर्टी का कुछ हिसाब मांगना हो, तो कुछ वर्ड रखना हो, जनरली तो ऐसा बोला ही नहीं जा सकता समझदार आदमी से, बट 24, 25, 26 को थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, पप्पा से कहीं कोई जूना पुराना प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर करवाना हो तो 24, 25, 26 बेस्ट है। अदरवाइज 24, 25, 26 हो सकता है कि आपके पत्नी का परिवार या पति के परिवार में कोई ना कोई एकाध प्रोग्राम भी हुआ होगा, डिसाइड हुआ होगा। ऐसे तो देखिए आपका गुरु 11 में इस साल बहुत नाम शोहरत कीर्ति प्राप्त होगी आपको अप्रैल 2023 के पहले, अप्रैल 2022 से वो समय आपका शुरू हुआ। 12वां राहु है, ये विष्णु सहस्रनाम करते ही रहिएगा। अब देखें 27 और 28 अक्टूबर जो मैं बोल रहा हूँ, ये ट्रैवलिंग का टाइम है, इट विल बी ए लकी टाइम। हो सकता है देखिए शनि भी आपके भाग्य में आया, वो भी रेट्रो है, तो हो सकता है कोई रिलीजियस सफर आपको 27-28 में ये दे देगा, तो कोई ट्रैवलिंग दे देगा 27-28 में, और आपका माइंड भी बहुत रिलीजियस हुआ होगा। हो सकता है ऑलरेडी आपके भाई बहन अगर मैरिड है
तो उनके वैवाहिक जीवन के साथ का भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको अनुभव में आएगा 27 और 28 तारीख को। 29, 30 और 31 अक्टूबर, देखिए 29, 30 और 31 अक्टूबर को आपके कर्मस्थान के लिए बेस्ट रहेगा। यानी कि मैंने आपको देखिए देखिए यहां लिखा है 29, 30 और 31 बेस्ट टाइम है अगर आप जॉबलेस हैं, लास्ट वीक में बेस्ट टाइम है। ऐसे तो मैं बेस्ट टाइम 29, 30, 31 को बेस्ट बोलता हूं। दूसरा मैं टाइम अगर आपको बोलता हूं 21, 22, 23 भी एक अच्छा समय रहेगा। आप ऐसा टेम्पररी 21, 22, 23 जो ये टाइम है जॉब के लिए भी बेस्ट रहे। 21, 22, 23 आप टेम्पररी सब जगह ऐसा छा जाएंगे, ऐसा लगेगा आपको बहुत बड़ा सम्मान सोशल जो पब्लिक में बहुत बड़ा रिस्पेक्ट भी मिलेगा। 21, 22, 23 ऐसा तारीख रहेगा। अब देखिए बिजनेस के लिए आए हो सेड यस, आपका कर्मेश 9th हाउस में, मतलब ये जो कर्मस्थान का स्वामी 9वें स्थान में जाता है, माता पिता के लिए कुछ अच्छा काम करने का बेस्ट अवसर प्राप्त होता है आप लोगों को। ये वो टाइम है जिसमें आने वाला 2 साल 2.5 साल में आप काफी आपने मम्मी पापा के लिए जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक काफी उनको हैप्पीनेस आपने दिया ही है, 100% दिया है। बिजनेस के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। हेल्थ के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 19 और 20 को आपको केयरफुल रहना है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, झगड़े से दूर रहना है, किसी से उधार मांगना हो, बैंक लोन पूछना हो अगर आपको, तो 19 20 बहुत अच्छा है। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में आप लोन भी मांगेंगे, ऐसा भी समय आएगा। और ये पैसा को देखिए, ये पैसे का वापरेंगे आप एज योर नेचर इज ए टॉरस, आपका लग्न है, पैसा वापरने के लिए आपको बड़ा आनंद आएगा। ये समय में आप पैसा वापरेंगे, सेव नहीं होगा। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में बहुत सारा अच्छा खासा पैसा आप खर्च कर देंगे। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है। देखिए गुरु की एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा आपको नेम रिकग्निशन होदा ये सब मिल सकता है अप्रैल 2023 तक। और स्टूडेंट के लिए मैं मानता हूँ ये बेस्ट टाइम है, प्यार करते हैं उनके लिए मैंने 9 अक्टूबर बेस्ट लिखा है, क्योंकि चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है कन्या और मीन में। शुक्र ऑलरेडी यहाँ है और कन्या यहाँ, यहाँ कन्या मीन राशि में चंद्र आ जाएगा 9 अक्टूबर को मीन राशि में चंद्र आ जाएगा। देखिए 9 अक्टूबर को तो बेसिकली चंद्र शुक्र का अपोजिशन है ये, तो ये 9 अक्टूबर ये देखिए मीन का चंद्र, 9 अक्टूबर मीन राशि का चंद्र अपोजिशन है, तो ये रोमांटिक दिन है। अगर किसी को प्रपोज करना हो तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि 99% कामयाबी मिलेगी अगर आप किसी से प्यार करते हैं। जनरली टॉरस है तो आप रोमांटिक ज्यादा ही है आपकी, लेकिन सबसे बढ़िया बड़ी बात है आपके ममा है, जो मॉम है आपकी, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज। ममा की वजह से आपकी मैरिज लाइफ में आपका स्पाउस काफी स्ट्रेस में रहता है। आपकी ममा का जो रुबाब है, उनका चलना, उनका बोलना, बैठना, उठना बहुत बहुत जबरदस्त होता है। कोई भी टॉरस लग्न को आप देख लीजिएगा, उनकी ममा का जो बैठना उठना जो होता है वो, इसके लिए मैरिज लाइफ में आप लोगों का जो प्रॉब्लम होता है ये दैट इज बिकॉज ऑफ योर ईगोस्टिक नेचर ऑफ योर मॉम। एंड अगर आप मेल है तो ऐसा होता ही है ज्यादातर, फीमेल है तो क्या फिर आप दूसरे के घर चले जाएंगे तो आपका ममा का इंटरफेरेंस कम हो जाता है। बट अगर आप मेल है और वृषभ लग्न है तो आपके ममा का इंटरफेरेंस, आपका ममा का रुबाब आपकी पत्नी पर तो बहुत ही दबाव होता है। तो ये है अबाउट आपका 27 और 28 का मैंने बोला, 29, 30 और 31 मैंने जो बोला आपको काम धंधे के लिए बेस्ट, प्यार करते हैं उनके लिए 9 तारीख को बहुत अच्छा समय है। 9 तारीख को चंद्र शुक्र का अपोजिशन है। विवाह के लिए मैंने देखिए ये तारीख जो लिखा है 5, 6, 7, 21, 22, 23 मीटिंग अरेंज कर दोगे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यानी कि देखिए गुरु का पूरा सपोर्ट है। अब 5, 6, 7 को ऐसा मत बोलिएगा शनिवार है, रविवार है, ये है, वो है, ये दिन हाथ से नहीं जाने चाहिए। 5, 6, 7, 21, 22, 23 इसको सेटअप करके इस तारीख को अगर मीटिंग रखोगे तो 99% आपको आपका अपरंत से आपको कोई फेल नहीं कर सकता। एज ए मेल ऋषभ लग्न हो या एज ए फीमेल हो, आपका अपरेंस बहुत शानदार होता है, दिखते बहुत अच्छे हैं, आंखें बहुत हस्ती है, व्हीकल का सुख होता है और ममा बहुत प्रभावशाली होती है, ये आपकी पहचान है। शेयर मार्केट के लिए मैंने 1, 2 अक्टूबर और 16, 17 अक्टूबर बेस्ट बोला है। 1, 2, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर आपके लिए बहुत बड़ा पैसा हाथ में आने का टाइम है, दोस्तों का मदद मिलने का टाइम है, मतलब दोस्तों के साथ
एंजॉय करने का टाइम है। सॉरी, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर, तीनों तीन दिन। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई मेजर पॉजिटिव चेंज करने के लिए भी ये बेस्ट रहेगा। और 16, 17, 18 कोई आइडिया आने के लिए, कोई शेयर बाजार से रिलेटेड है तो बिना आइडिया के नहीं होता। अगर आप कोई आइडिया लगाते हैं, जैसे कहीं भी कोई भी तर्क आपने लगा दिया कि ये चीज होने से ये चीज होगा, इससे मार्केट पर ज्यादा इफेक्ट आएगा, तो 16, 17, 18 टू लर्न समथिंग है बेस्ट है। और 16, 17 शेयर मार्केट के लिए भी बेस्ट है, स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए तो ये साल ही पूरा धुआंधार है। इन शॉर्ट, ये महीना आपके लिए मोहब्बत करने वाला महीना साबित होगा। बच्चों के साथ का डिस्टेंस कम करिएगा। मंगल आपके धनस्थान में आ जाएगा जैसे ही आपका शुक्र बैड टाइम में जाता है 18 अक्टूबर से, यानी कि आपके परिवार के लोगों के, जब पूरा परिवार समझो एकत्रित हो गया हो, तो आपका बोलना टालिएगा। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अगर आप कुछ बोलते हैं, आपके शब्दों को मिस रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा आपके फैमिली में, और आपको दुख होगा, ऐसा चीज होगा उसका रिजल्ट सब। ये अबाउट देखिए, इस महीने में मेरे जो अपने जो व्यूअर्स है उनको मैं हैप्पी दशहरा है, देखिए 5 अक्टूबर को, और शुभ दशहरा की मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। और दिवाली है इस महीने में, दिवाली का देखिए अभी प्रारंभ होगा 21 अक्टूबर से, और 24 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन है, महालक्ष्मी पूजन है। महालक्ष्मी पूजन 24 अक्टूबर को है, उसमें शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का समय है। ओम रीम श्री लक्ष्मी व्यो नमः का जाप करो, बहुत लाभ होगा। श्री सूक्त का जाप करो, या जैन है तो उग शरण का जाप करो, बहुत लाभदायक समय है। और अगर जो आप बंबई में रहते हैं तो 24 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ महालक्ष्मी पूजन का, 1940 से 1952 तक का जो समय है, ये वृषभ लग्न है और कुंभ नवमांश है, वो दोनों आपके लिए बंबई में रहते होंगे तो ये बहुत सूटेबल है। अभी दूसरे सिटीज का, अभी यहाँ बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, काफ़ी सिटीज का ये कैलकुलेशन करके मैं हो सके तो एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, या तो उसको कम्युनिटी सेक्टर में सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको रेफर कर सके। इस महीने का और एक चीज देखेंगे, सूर्य ग्रहण है 25 अक्टूबर को। सूर्य ग्रहण तुला राशि में है, आपके 6वें स्थान में है, और 6वें स्थान में ही अभी शुक्र भी आपका गया हुआ है, यानी 10 नवंबर तक हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। जैसे अभी 18 अक्टूबर से आपके शरीर को स्ट्रेस नहीं दीजिएगा, अगर उम्र 45 से 50 से ज्यादा है तो, ऐसा 20-22 साल में आप कुछ भी करो, कुदरत का हिसाब है, कुछ होता नहीं। अगर उम्र ज्यादा है तो आपके हेल्थ के लिए मतलब स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, अगर ज्यादा शरीर को तनाव दोगे तो आपका 2-4 दिन बिगड़ जाएगा। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक उसके लिए केयरफुल रहिएगा। और इसमें देखिए सूर्य ग्रहण है 25 अक्टूबर को, ये अबाउट शाम को 5 बजे से शाम को 6 बजे तक, ऑल ओवर इंडिया में लगभग 5 से 6 बजे का टाइम है सूर्य ग्रहण। इस समय में आप मंत्र जाप कोई अगर सिद्धि करना चाहते हैं, कोई मंत्र का सिद्धि करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र हो आपके पास, मंत्र जब फल जाता है इसको बोलते हैं अजपा जाप। यानी अगर जो आप कोई मंत्र आप करोड़ कर देते हो, 1 करोड़ होता है, कोई 10 लाख होता है, ऐसे मंत्रों का भी अपना गणित है। अगर जो आप मंत्र करते हैं तो फिर वो आपके शरीर में एक रिदम में आ जाता है, मतलब आप मंत्र ना करो तो भी वो चेंटिंग रहता ही है कंटिन्यू, आपके बॉडी को वो रिदम मिल जाता है। वैसा समय अगर मंत्र को सिद्ध किया जाता है, कोई भी आदमी किसी को भी मंत्र देता है तो उसको फायदा इसलिए नहीं होता, मंत्र सिद्ध होना चाहिए। और अगर आप कोई मंत्र विद्या से जुड़े हुए हो तो ज्यादातर मैं ऐसा देखता हूं कि ये मंत्र सिद्धि करने के लिए 25 अक्टूबर ये सूर्य ग्रहण का दिन बेस्ट है। और शाम को 6 से पहले शाम को, पूरा 6 बजे तक का तो टाइम है, यानी कि शाम को 5 से 6 बजे तक का टाइम बेस्ट रहेगा। अब देखिए दशहरा का मैंने बताया, अभी आपको 5 अक्टूबर को दशहरा है, जो 10 सर वाला आदमी हर गया, ऐसा 10 हरा 10 सर था भगवान राम ने जब मारा, 10 रावण को माना जाता था कि 10 सर है उसको, दशानंद बोलते थे वो, 10 हरा। दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया, हत्या की, रावण का वध हुआ। और बाद में जब भगवान अयोध्या पहुंचे 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को लोगों ने दीपावली मनाई थी, पूरा नगर को लाइटिंग किया हुआ था, दिए जलाए थे, इसलिए आज भी हम दिवाली में दिए जरूर जलाते हैं। ये टू प्रेज द राम ओनली है, ये राम का जो प्रेज है वही बात है कि भगवान राम हमारे घर आए, ऐसी बात है। प्रदोष है 7 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को। अगर आपका चंद्र कुंडली में, बर्थ चार्ट में अगर आपका चंद्र अच्छा नहीं है तो देखिए शिव उपासना करिएगा 7 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को, प्रदोष है। जैसे चंद्र अच्छा नहीं कैसे बोल सकते हो, चंद्र अगर 6वें स्थान में, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में,
बहुत टेंशन आ जाता है ऐसे लोगों को, आप देखिएगा जहां भी आपके जीवन में देखा है कि देगा आपको। चंद्र के साथ अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि है, चंद्र के साथ राहु केतु है, चंद्र के साथ सूर्य है यानी कि अमावस का जन्म है, तो आदमी मानसिक बहुत तनाव में रहता है। चंद्र शंकर भगवान शिव के सर पे विराजमान है, तो शंकर भगवान का विराजमान होने की वजह से आप शिव उपासना करने से चंद्र की आप पर कृपा रहेगी। ये शरद महीने की पूर्णिमा है 9 अक्टूबर को। चतुर्थी देखिए संकष्टी और विनायक चतुर्थी, 13 अक्टूबर को संकष्टी है, विनायक चतुर्थी है 28 अक्टूबर को। अगर आपका विवाह डिले हो रहा है, वैवाहिक जीवन में आपका स्पाउस बार बार आपको काटने दौड़ता है, क्योंकि देखिए आपका स्कॉर्पियो है सप्तम में, यानी कि आपका स्पाउस आपका बहुत रेयरली आनंदी दिखाई देता है, मतलब आप एक अपने स्पाउस के चेहरे पे हंसता हुआ भाव देखने के लिए हमेशा मोहताज रहते हैं। आई आई हैव ऑब्जर्व दैट कि आपका स्पाउस हमेशा बहुत वर्क होली नहीं बोल सकते हो, बट हाँ ये परिवार के लिए अपनी जान दे देगा ऐसा स्पाउस है आपका, बट ये हमेशा आनंद में बहुत कम होता है। ये कोई भी वजह हो, आपके आपका जो नेचर है वो काफी आनंदी है, तो उसके लिए मैंने आपको बोला ये चतुर्थी का व्रत अगर आपका स्पाउस करे या आप करो बहुत लाभदायक रहेगा। 13 अक्टूबर और 28 अक्टूबर है, इस दिन गणेश उपासना करना चाहिए आपको, गणेश उपासना करने से आपके मैरिज लाइफ में ट्यूनिंग रहेगा। ये चंद्र और शुक्र का मैंने आपको बोला 9 अक्टूबर बेस्ट टाइम है किसी को प्रपोज करना हो तो 9 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को चंद्र शुक्र की युति आपके 6वें स्थान में हुआ, ये दिन हो सकता है कोई आपकी चुगलचाड़ी भी कर देगा 25 अक्टूबर को। मैंने बोला आपको टेंशन का दिन तो है ही, आपको मैंने मंथली जो डेट वाइज प्रेडिक्शन किया उसमें तो बताया मैंने 25 अक्टूबर आपका चंद्र माने ये चुगलचाड़ी भी होता है चंद्र शुक्र का, और दूसरा आकर्षण योग भी निर्माण करता है। कार होगा तो केयरफुली ड्राइव करिएगा, ये दिन पैसा वापरने का दिन है, हो सकता है आपके परिवार को लेके जाके एंजॉय करिएगा, होटल वोटल में खाना वाना खाइएगा, एंजॉय दिस डेज, पैसा वापरने का जो आनंद उठाना है तो 25 अक्टूबर को कर सकते हो। तो ये है अबाउट आपका इस महीने का लेखा जोखा, उसमें पर्टिकुलरली देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुक्र का लोकेशन, इस बार आपके लव हाउस में शुक्र आया है, ये 24 सितंबर से आपके लव हाउस में विराजमान है, ये कहीं ना कहीं संतान के विषय में प्यार के विषय में गुड न्यूज देगा आपको। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के जो टाइम है उसमें आपको उधार मांगना पड़ेगा, कर्ज हो सकता है, खर्च हो सकता है, आपके मैटरनल अंकल या आंटी के घर पे आपका विजिट भी हो सकता है अगर उम्र छोटी है तो, बाद में कुछ उम्र के बाद मामा मौसी चाचा चाची से आजकल देखिए फैमिली जो जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक इंसान मैच्योर होने के बाद बदलता जाता है। सो अगर आप चाइल्ड है छोटे हैं उम्र में तो मामा मौसी से कनेक्शन इस समय में आ सकता है 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में। किसी से लोन मांगना हो तो द बेस्ट टाइम है 18 अक्टूबर से 10 नवंबर। अब ये अबाउट लेखा जोखा है आपका, देखिए सूर्य का आगे जाने से 6वें स्थान में आपको कोई बहुत बड़ा मेजर फर्क नहीं पड़ जाता, भले 6वें स्थान में लोन मंगवा ही देगा क्योंकि नीच राशि का ग्रह आपके 6वें स्थान में बनेगा सूर्य, तो लोन मांगने का टाइम आपका हुआ है 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस करके आप करेंगे, कुछ ना कुछ आपका शुभ कार्य भी आपका हो सकता है इस समय में, खर्च हो सकता है बेस्ट खर्च हो सकता है। अब देखें 26 अक्टूबर से 12 नवंबर देखिए वो भी बुध आपके मैंने बोला 6वें स्थान में जा रहा है, तो ये 25 अक्टूबर को कोई आपका कोई पीछे मिसरिप्रेजेंट भी कर सकता है। शनि अभी भाग्य में आया है वो भी बहुत अच्छा है, आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग दे देगा उसने जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक 2.5 साल का जो सफर है उसका, उसमें 3 महीना ही वो कुंभ राशि से जाके फिर से रिवर्स आया है, तो ये शनि आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग भी देगा। अब जाते जाते जनवरी 2023 तक एक आध रिलीजियस ट्रैवलिंग भी वो आपको दे सकता है। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।